नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं का कारगिल जो विजय है उस पाठ को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, वैसे तो पाकिस्तान के साथ 1965 में 71 में हमारे युद्ध होते ही रहे हैं, लेकिन 1999 में कारगिल का युद्ध जो है हमारे साथ एक बार फिर हुआ। और किस तरह से हमारे सिपाहियों ने सूझबूझ से उस पर विजय प्राप्त की, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी इस पाठ में कारगिल विजय का है वो वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भारतीय जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से तनिक नहीं हिचकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कारगिल युद्ध। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, ताकि जब हम इसका अभ्यास करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बात है भाई 26 जुलाई 1999 की। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को करारी शिरकत दे करके विजय प्राप्त की। शिरकत होता है हार देना, हरा देना। हमारे देश में इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा भाई? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 26 जुलाई, याद रखना 26 जुलाई को। यह युद्ध देश की सेना के लिए कड़ी परीक्षा में खरा उतरने का समय था। भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए शत्रु को ऐसा कठोर जवाब दिया था कि वह बरसों तक इस मार को याद रखेगा और हमारी मातृभूमि पर पैर रखने से पहले हजार बार सोचेगा। कारगिल का घटनाक्रम 6 मई 1999 को तब शुरू हुआ जब मोर्चे पर तैनात सैनिकों को सूचना मिली कि कुछ दुर्गम पहाड़ी शिखरों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। कारगिल क्षेत्र लगभग 168 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह इलाका नियंत्रण रेखा के साथ लगा हुआ है। यह पश्चिम में हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला में जोजिला के प्रसिद्ध दर्रे के पास कोबाल घाटी से शुरू होकर के पूर्व में लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित चोर बाटला तक फैला हुआ है। करीब 80 किलोमीटर का इलाका हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए मारपोला, विमपाट और चोर बाटला को छोड़ करके इस क्षेत्र में सर्दी के दिनों में सेना के जवान तैनात नहीं रहते। तब सेना की चौकियों के बीच काफ़ी फासला हो जाता है। इन बड़े बड़े फासलों का लाभ उठा करके पाकिस्तानी सेना तथा कथित मुजाहिदीनों का भेष बदल करके भारतीय क्षेत्र में घुस आई थी। यानी कि अधिक ठंड पड़ने के कारण कुछ इलाका है वो ऐसा छोड़ दिया जाता है
जहां पर सैनिक तैनात नहीं होते, कुछ फासलों पर चौकियां होती हैं और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके जो फौजी सैनिक हैं वो वहां के मुजाहिदीनों यानी वहां के नागरिकों की वेशभूषा बदल करके हमारी सीमा में प्रवेश कर गए थे। पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को बाहर खदेड़ना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए पहले हमारी सेना की टुकड़ियों को संगठित किया गया, फिर सुनियोजित ढंग से ऑपरेशन विजय शुरू किया। तो कौन सा ऑपरेशन किया? कारगिल में ऑपरेशन विजय। 11 जून 1999 को 18 ब्रिगेडियर ने तोलोलिंग पर हमला करने के लिए आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा करके फार्म बेस बनाना शुरू किया। 12 जून को रात 11:30 बजे तोपखाने के भारी फायर के साथ दो राजपूताना राइफल्स पर हमला बोल दिया। भारतीय सेना का यह पहला जवाबी हमला था। इस हमले की सफलता पर ऑपरेशन विजय की सफलता टिकी हुई थी, यानी जब भारतीय जवानों को सीमा में घुसपैठ का पता चला तो उन्होंने पहला जवाबी हमला किया और इसमें उन्हें सफलता की कड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि पहले ही हमले में वे परास्त हो जाते तो पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। 13 जून को सुबह 6 बजे तक तोलोलिंग पर भारतीय सेना ने एक बार फिर तिरंगा फहरा दिया। उस हमले में 17 सैनिकों की जाने गई और 40 सैनिक घायल हो गए। तोलोलिंग पर विजय पाने के बाद हमारी सेना का मनोबल काफ़ी बढ़ चुका था। उसके बाद 4 जुलाई को टाइगर हिल पर भी भारी हमारी सेना ने कब्जा कर लिया। तो टाइगर हिल पर कब हमला कब्जा किया? 4 जुलाई को। कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने थल सेना की सहायता से के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया। तो भाई वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इंजन में खराबी आ जाने के कारण हमारा एक मिग 27 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इस विमान के मलबे को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसके मिग 21 विमान को सतह से हवा में वार करने वाले प्रक्षेपात्र द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 12 जुलाई तक वायुसेना के विमानों में ने 580 उड़ानें भरी। उधर हेलीकॉप्टरों ने 2500 उड़ानें भर करके घायल जवानों को युद्ध क्षेत्र से अस्पताल लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय नौसेना ने भी ऑपरेशन तलवार के अंतर्गत अपने युद्ध पोत को अरब सागर में तैनात कर दिया। इस प्रकार पाकिस्तान पर सामरिक दबाव बना डाला। जैसे जैसे एक शिखर के बाद दूसरे शिखर पर विजय प्राप्त होती गई, पाकिस्तानी मृतकों की संख्या भी बढ़ती गई।
मरने वाले पाकिस्तानी सैनिक ही थे, इस बात के ठोस प्रमाण उनकी डायरियां, पासबुकों और पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों से में उपलब्ध होते गए। उन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया कि वह एक सुनियोजित सैन्य आक्रमण था। अभी तक पाकिस्तान यही झूठ बोल रहा था कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिक नहीं हैं, इसलिए उनका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसने पीछे हटने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा। इसके लिए 16 जुलाई की समय सीमा में सीमा निर्धारित की गई, परंतु पाकिस्तानी सैनिक 21 जुलाई तक मस्को और द्रास और बटालिक में तीन पहाड़ियों पर बैठे रहे। हमारे सैनिकों ने भी हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तानियों पर दबाव बनाए रखा और शीघ्र ही उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी पहले पाकिस्तान कह रहा था कि ये घुसपैठिए हैं, हमारे सैनिक नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो सैनिक मारे गए, उनसे दस्तावेज मिले, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये भारतीय पाकिस्तानी सैनिक ही थे जो भारतीय सीमा में घुसे हुए थे। हमारे सैनिकों ने भी हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तानियों पर दबाव बनाए रखा और शीघ्र ही उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह जीत इतनी आसान नहीं थी। इसे पाने के लिए हमारे सैनिकों को असाधारण साहस और धैर्य का परिचय देना पड़ा। उन्हें नियंत्रण रेखा की ओर आगे बढ़ने पर पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों के बीच से होकर के जाना पड़ा, जिसमें हमारे बहुत से सैनिकों को अपने प्राण गंवाने पड़े। उनमें बहुत से अफसर थे जिन्होंने अपने सैनिकों का अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व किया था और आगे बढ़ कर के अपने सीनों पर गोलियां खाई। कई सैनिकों के को जीवन भर के लिए अपाहिज होना पड़ा। कारगिल विजय संपूर्ण राष्ट्र के आत्म गौरव और सम्मान की विजय थी। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अपनी मातृभूमि के चप्पे चप्पे की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान देने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। हमें अपनी स्वतंत्रता और अपना देश प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमारे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम अपने देश के सम्मान पर आँच नहीं आने देंगे। तो बेटा, ये हमने लेसन है वो पढ़ लिया है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैंने पढ़ा है। ये कोशिश किया है आपको समझाने का। यदि आपको समझ में आया तो इसका अभ्यास आपके लिए बड़ा ही सरल हो जाएगा। तो बने रहिए अपना पूरा सिलेबस करने के लिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में लगा बेल आइकन है, घंटे वाला बटन, उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसमें नीचे कुछ आपके शब्दार्थ भी दिए गए हैं, इनको भी आपको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। मिलेंगे इसके अभ्यास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।